हेलो पिलामाने आशीष इन एजुकेशन यूट्यूब चैनल ले तुमको स्वागत। तो पिलामाने तुमने थंबनेल देखि जानि सारि थौ तुमको केउ टॉपिक रे कहिबाकु जाउछि ना हमर जेतिकि भी पिलामाने नर्सिंग कोर्सेस रहिछि तहा हमर न्यू लिस्ट अनुसार बा न्यू प्रोस्पेक्टस अनुसार कोन कोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहिछि। सो देखंतु एडमिशन टू डिफरेंट नर्सिंग कोर्सेस इन गवर्नमेंट इन ओएन एमआरसी रिकग्नाइज्ड प्राइवेट नर्सिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ ओडिशा अर्थात हमर गवर्नमेंट रो जेतिकि भी नर्सिंग कॉलेजेस रहिछि एवं प्राइवेट रो जेतिकि भी नर्सिंग कॉलेजेस रहिछि सेही सब कॉलेज रे एडमिशन पाई आपण मानकर समस्त नर्सिंग कॉलेज रे बा हमर समस्त नर्सिंग कोर्स पाई इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोन जेमति तमरो एएनएम हो किंबा हमर जीएनएम हो किंबा बेसिक बीएससी नर्सिंग हो किंबा आपण मानकर हमर एमएससी नर्सिंग हो किंबा तम मानकर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो पीबी डिप्लोमा नर्सिंग कोर्स हो जहाँ भी नर्सिंग कोर्स रही तार इलिजिबिलिटी आम न्यू लिस्ट अनुसार न्यू जो आम नोटिस आसी से ही अनुसार आपंकर कौन चेंजेस होती ना कौन सेम अच्छी मुझे तार रिगार्डिंग समस्त इनफर्मेसन पे प्रोवाइड करदेवि से भिड को आदम स्किप न करके शेष पर्यटन देखो जोद्वारा तुम मन में कौन भी डाउट रोना ता पूर्व तुम्हें जब एजाए आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेल सब्सक्राइब कर बेल आइकन में क्लिक कर दिव्य जोद्वारा एमती सब समस्त इनफर्मेसन पाई। ओके पे तो या पूर्व पे तुमने एक भिड नहीं आसती जो तुमको अप्लाई रो डेडलाइन पिलामाने कही दी थी तो तुमने समस्त जानथिबो कि अप्लाई केबे थरो आरंभ हलानी अप्लाई रो लास्ट डेट अच्छी केबे तो पिलामाने हमरा ओरेड है कि अप्लाई करनी मु तुमको एप्लीकेशन रो प्रोसेस लाइव अप्लाई केमती करिवो जोने स्टूडेंट कर लाइव अप्लाई करके मध्य देखेदेवी सब किसी डिटेल्स जाणी सारापर पे अप्लाई कर तुम जेको नर्सिंग कोर्सेस पे अप्लाई करने को चाहूँच। ओके पे सहित तुमको कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लगे कौन सब तुमको इनफर्मेशन प्रोवाइड करदेवी या पूर्व मुझे तुमको जनईदी कि आम ओडिशा रे कौन कौन आम गवर्नमेंट कॉलेजेस रही देन कौन कौन प्राइवेट कॉलेजेस रही बीएससी नर्सिंग हो कि अन्य नर्सिंग कॉलेज हो देन आम जी भी नर्सिंग कोर्सेस रही सब तुम फी स्ट्रक्चर के गवर्नमेंट कॉलेज फी स्ट्रक्चर के देन प्राइवेट कॉलेज रे फी स्ट्रक्चर के तुमको मुझे जनईदी प्राइवेट रे अधिक फीज रोचे के गवर्नमेंट रे के प्राइवेट रे जो तुम मैंने से वीडियो देखी ना पे आशीष इन एजुकेशन सर्च करके आम बीएससी नर्सिंग किंबा ऑल नर्सिंग कोर्सेस प्लेलिस्ट अच्छे से चेक कर पारे किंबा यूट्यूब डायरेक्टली तुम आम कौन स्क्रोल करके चेक कर पारे वीडियो सेक्शन में। ओके सो बर्तमान देख मुझ तुमको आम इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जनईदेवि तापूर्व जस्ट गोटे अनाउंसमेंट करने चाहिए पे जो मैंने बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस इंटरेस्ट अच्छ बिकज तुम ए वर्ष पे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस बेसिस सिलेक्शन हम अन्गुड़ी तुम अलग रोज एएनएम हो जीएनएम हो बट तुमको बीएससी नर्सिंगटा पे एंट्रेंस बेसिस सिलेक्शन हम तो से एंट्रेंस एग्जाम तुमको गोटे आम कोर्स प्रिपेयर कर पे आशीष इन एजुकेशन आप्रे तुमको पढ़ा जा पाने सिलेबस वाइज मुझ तुमको पूर्व बीएससी नर्सिंग सिलेबस रिगार्डिंग एक वीडियो नहीं आसती कि तुम सिलेबस कौन कौन रही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश नर्सिंग एप्टीट्यूड ता रिगार्डिंग पे तुमको सिलेबस एग्जाम पैटर्न भी जनईदी तो ताकि तुम आशीष इन एजुकेशन आप्रे पे ऑलरेडी आम गत काली क्लास स्टार्ट बायोलॉजी क्लास से ही देन इंग्लिश क्लास आम प्रोवाइड कराइला देन तुम आज फिजिक्स क्लास अच्छी तो ये ही रिसेंटली आम स्टार्ट जो क्लास तुम अटेंड करना तरह लाइव रेकर्डिंग क्लास एवेलेबल अच्छी ताक देखिपर सो आम गत काली ही स्टार्ट तो ये ही आम कोर्स जॉइन हो जातु और आम समस्त क्लासेस पारे सहित नोट्स प्रैक्टिस सेट तुमको अवेलेबल हो पे ता सहित अलग अलग टीचर्स अच्छा से तुमको पढ़े और तुमको कनसेप्ट क्लीयर करेंगे। ओके पे सो जब एजाए जॉइन होना तेल एवं ही जॉइन हो जातु और बीएससी नर्सिंग में सीट पाइबार चान्स को अपॉर्चुनिटी को हाथ छड़ा करूँ ना। ओके पे सो देख बर्तमान मुझे तुमको जनईदी आम इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन रही तो प्रथम देखूँ आम एएनएम इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन रही कैंडिडेट मोस्ट हाफ कंप्लीटेड 17 इयर्स। ओके तो आम 31/12/2023 अनुसार तुम 17 वर्ष कंप्लीट होता दरकार पे बुझीगलापर कही कौन देख सुड हाव बीन बोर्न ऑन और बिफोर 31/12/2006 अर्थात 31/12/2006 पूर्व जन्म होता दरकार। द कैंडिडेट मोस्ट हाव 10+2 फ्रम सीएचएससी ओडिशा प्लस टू पास आउट होता दरकार देन आशा हाविंग 10+2 पास इज इलिजिबल फर आप्लाइंग द एएनएम कोर्स जो मैंने भी आम आशा मैंने 10+2 अच्छा से इलिजिबल अच्छा। ओके देन ओनली फीमेल कैंडिडेट्स आर इलिजिबल टू अप्लाई सो एएनएम टा ओनली फीमेल कैटेगरी अप्लाई कर पारे मेल मैं ना तापर तुम कैंडिडेट मोस्ट हाफ फास्ट मिनिमम एमई स्टैंडर्ड ओडिया तो ओडिया रखिथे निहाँ भाव में देन मोस्ट बी ए डोमिकिल परमानेंट रेसीडेंट नेटिव ऑफ ओडिशा से ओडिशा रो नेटिव होते कैंडिडेट शैल बी मेडिकली फिट फॉर द कोर्स। ओके देन आसीगला आम जीएनएम रो पिला माने तो तुम मैंने समस्त जानी थी जीएनएम आम गवर्नमेंट कॉलेज नुहे एवं आम प्राइवेट कॉलेज गुड़िक ओनली। ओके 17 वर्ष होता दरकार से ही टाइम आम कौन 31/12/2023 भितर तापर आम 10+2 रे 40% आम रखी थे से आम कौन करेंगे अप्लाई करें बुझीगला
रजिस्टर्ड ए एन एम विथ टेन और प्लस टू जो मैंने भी रजिस्टर करेंगे ए एन एम आम करेंगे विथ टेन प्लस टू से अप्लाई करेंगे। ओके सहित टेन प्लस टू विथ इंग्लिश हाविंग 40% मार्क इन वोकेशनल ए एन एम कोर्स फ्रम द स्कूल रिकग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउनसिल से अप्लाई करेंगे। तापर टेन प्लस टू विथ इंग्लिश हाविंग 40% मार्क इन वोकेशनल स्ट्रीम हेल्थ केयर साइंस फ्रम ए रिकग्नाइज सीबीएसई बोर्ड स्टेट्स और सेन्टर से अप्लाई करेंगे। अर्थात जो मैंने हेल्थ केयर साइंस हूँ कि नर्सिंग स्कूल रहंतु वोकेशनल ए एन एम हूँ से अप्लाई करेंगे। 5% ऑफ टोटल मार्क इज रिलैक्स फॉर एस सी एस टी कैंडिडेट। टोटल 40% मार्क अच्छी 35% में एस सी एस टी कैंडिडेट्स आशा मैं 5% रिलैक्सेशन रोचे फॉर एस सी एस टी कैंडिडेट्स। देन द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मिनिमम एम ई स्टैंडर्ड। देन द कैंडिडेट मस्ट बी ए डोमिसाइल ऑफ ओडिशा। देन एठी बोथ फीमेल आउ मेल बोथ अप्लाई करेंगे और मेडिकली फिट थे। तापर देख बेसिक बीएससी नर्सिंग एथिरे 17 वर्ष होता दरकार 31/12/2023 पूर्व 31/12/2023 पूर्व आपणकर 31/12/2006 पूर्व आप जन्म होता दरकार। ओके द कैंडिडेट मस्ट हाव पास 10 प्लस टू पास आउट होता दरकार कौ कौ सब्जेक्ट रे साइंस और वोकेशनल जहाँकि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ओके सो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आम पास आउट होता दरकार सी एच एस सी थ्रु। देन ओडिशा और एनी अदर बोर्ड काउनसिल और यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट थी। दो कैंडिडेट्स पास 10 प्लस टू एग्जामिनेशन इन साइंस जो मैंने 10 प्लस टू पास आउट होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से अप्लाई करेंगे जो मैंने ओपन स्कूल पास आउट होते तो से रखी दरकार के मे बी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किंबा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। द कैंडिडेट मोस्ट हाव पास इन द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ओनली। ओके सो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो मैंने पास आउट होते हैं सहित इंग्लिश हाव ऑब्टेन ए मिनिमम ऑफ 45% मार्क जो मैंने 45% मार्क रखे से अप्लाई करेंगे एस सी एस टी 40% मार्क। ओके तापर तुम मैं देख द कैंडिडेट्स मोस्ट हाव पास मिनिमम एम ई स्टैंडर्ड ओडिया तो एम ई स्टैंडर्ड जाए ओडिया निहत भाव पढ़ी दरकार। ओके देख द कैंडिडेट मोस्ट बी ए डोमिसाइल और रेसीडेंट ऑफ ओडिशा आम ओडिशा रेसीडेंट होता दरकार। देन बोथ फीमेल आउ मेल अप्लाई करेंगे। तापर देख पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग द कैंडिडेट मस्ट बी ए डोमिसाइल ऑफ ओडिशा। देन द कैंडिडेट मस्ट बी ए रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ ऑफ ओएनएमआरएससी। तो जो मैंने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करेंगे से गोटे नर्स होगा दरकार किंबा ओएनएमआरसी कौन बा स्टेट नर्सिंग काउनसिल मिडवाइफ होता दरकार। द मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट शाल बी द पासिंग ऑफ जनरल नर्सिंग मिडवाइफ मिडवाइफरी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय ओएनएम एमईबी ओडिशा। तो जो मैंने मिडवाइफरी एग्जाम पास करेंगे किंबा जनरल नर्सिंग करेंगे से अप्लाई करेंगे। ए कैंडिडेट इफ हाज रजिस्टर्ड हिज और हर नेम इन अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट। इन केस सिलेक्टेड कैंडिडेट फेल्स टू प्रोड्यूस द रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ द नेसेसरी एक्शन एज डीम्ड फिट विल बी टेकन बाय द स्टेट ऑफ नर्सिंग काउंसिल। यदि किए भी फेल होता नर्सिंग काउंसिल कमिटी द्वारा कौन जो टाइम पीरियड दिया है सही टाइम पीरियड भितर जब रजिस्ट्रेशन प्रोड्यूस कर पारा सर्टिफिकेट ताल हो पार। कैंडिडेट साल भी मेडिकली फिट होता दरकार नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट थी दरकार जदि से सर्विस थी मन कर जे सर्विस अच्छी सहित पढ़ाक चाहिए तेल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बा एनओसी दरकार हम। तापर दो कैंडिडेट मोस्ट हाव पास मिनिमम एम ई स्टैंडर्ड ओडिया जो इनिट्यूट 85% एबव आम कौन गवर्नमेंट होता दरकार कोटा सीट्स इन प्राइवेट इनिट्यूशन। बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर इलिजिबल टू अप्लाई तो या मेल आउ फीमेल बोथ अप्लाई करेंगे। देन देख एम एस सी नर्सिंग द कैंडिडेट मस्ट बी ए डोमिसाइल ऑफ ओडिशा। द कैंडिडेट मस्ट बी ए रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ ऑफ ओएनएमआरसी जोटा तुम कौन से निहत भाव गोटे नर्स होता दरकार किंबा मिडवाइफ ऑफ ओएनएमआरसी एग्जामा पास आउट पास कर दरकार। मिनिमम क्वालिफिकेशन कौन पे 55% रखी दरकार एस सी एस टी केस 50% देन स्टेट नर्सिंग काउंसिल नेम रजिस्टर होता दरकार। इन केस द सिलेक्टेड कैंडिडेट फेल्स टू प्रोड्यूस टाइम पीरियड दिया है सही टाइम पीरियड भितर से सबमिट करने पड़ो। ओके द कैंडिडेट मस्ट हाव मिनिमम 1 year ऑफ वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर बेसिक बीएससी नर्सिंग। तो जदि से एम एससी नर्सिंग करने को चाहते हैं बेसिक बीएससी नर्सिंग पर गोटे वर्षर एक्सपीरियंस दरकार तापर जाइए से कौन करेंगे आम कौन एम एससी नर्सिंग करेंगे से आम नर्माल पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो कि बीएससी नर्सिंग हो या 1 year कौन जदि से आम पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अच्छी तेज़े डायरेक्टली अप्लाई करेंगे बट जब बीएससी नर्सिंग से कौन करेंगे आम 1 year वर्क एक्सपीरियंस दरकार। ओके किंबा आम पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पर अप्लाई करेंगे 1 year ऑफ वर्क एक्सपीरियंस आइदर इन टीचिंग और क्लिनिकल फील्ड और टुगेदर विल बी टेकन इन टू कन्सीडरेसन आज अंडर। तो आम वर्क एक्सपीरियंस दरकार से टीचिंग केस रे हो कि क्लिनिकल केस रे मध्य हो। ओके 1 year वर्क एक्सपीरियंस विल बी काउंटेड विथ रेफरेंस टू
फ्रम द डेट अफ जइनिंग आफ्टर आरएन एंड आरएन। तो जो दिन से जइन करेंगे तापरठू कौन बर्षे पर्यंत वर्किंग एक्सपीरियंस दरकार से क्लिनिकाल हो कि आज ए ट्यूटर हो कि जेको केस रे हो। ओके तो ट्यूटर किंबा क्लिनिकाल कैंडिडेट साल भी मेडिकली फिट देन तुम बोथ मेल फिमेल आप्लाए जदि कौन जब करेंगे तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दरकार सेम पी डिप्लोमा द कैंडिडेट मस्ट भी डोमिकल अफ ओडिशा देन द कैंडिडेट मस्ट भी रजिस्टर्ड इन नर्स देन तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बा एजुकेशनल रिक्वायरमेंट साल बी द पासिंग ऑफ जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय ओएन एंड एमईबी। ओके तापर तांकर मध्ये जदि जॉब करथबे ताहाले एनओसी सर्टिफिकेट दरकार हेबो एवं एथिपई मध्ये बोथ मेल एंड फीमेल अप्लाई करि परिबे। एवं देखो तम मानकर रिजर्वेशन सिस्टम कोन रहीछि ना 22.5% हमर एसटी पई रिजर्वेशन 16.25% एससी पई रिजर्वेशन 5% ऑन रिजर्व एसटी एवं एससी पई हमर रहीछि। ओके तापर 5% फॉर ईच चिल्ड्रन ऑफ ग्रीन कार्ड होल्डर जो मैंने अच्छा देन 3% आम जो मैंने कौन विडोज ऑफ एक्स सर्विस मैन जो मैंने अच्छा जो मैंने विडोज थे कि एक्स सर्विस मैन थे से पारे ना आम 3% रिजर्वेशन पारे। ओके पे तो ये आपर इलीजिबिलिटी और रिजर्वेशन क्राइटेरिया जदि आपने जानवाक चाहते आपंती आप्लाय करेंगे आप्लिकेसन प्रोसेस केमती रोक कौन कौन डॉक्यूमेंट्स दरकार तो चैट बॉक्स में मेसेज करेंगे मुझे आपको तारीख आउ एक वीडियो नहीं आसवि। ओके पे ये पुणी देखा हाँ आउ एक इनफर्मेशन सहित धन्यवाद।